मोस्ट वेलकम डिस्कशंस। देखिए अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेडिक्शंस कल है आप लोगों का, समय बिल्कुल भी नहीं है। अति लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के बारे में हम लोग चल रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है आप लोगों का, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, डिस्कशंस के बारे में हम लोग को बात करना है। देखिए अर्थव्यवस्था की देखा जाए, केंद्रीय समस्या में देखा जाए तो पहली जो महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें आता है कि उत्पादन क्या होगा, उत्पादन जो किया जाएगा डिस्कशंस तो उत्पादन क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण पहली समस्या तो ये होती है केंद्रीय समस्या के रूप में देखा जाता है कि उत्पादन क्या है। ठीक है, दूसरे महत्वपूर्ण पॉइंट क्रम में बढ़ते हैं तो देखिए उत्पादन कैसे होगा, भाई उत्पादन पहले तो क्या होगा और होगा भी तो कैसे होगा और उत्पादन किसके लिए किया जाएगा। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था की ये केंद्रीय समस्या होती है। ठीक है ना, उत्पादन क्या होगा, कैसे होगा और किसके लिए इसे तैयार किया जाएगा। ठीक है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग का क्वेश्चन। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, अर्थशास्त्र में चुनाव की समस्या, अर्थशास्त्र में चुनाव की समस्या, ये हम लोग का प्रश्न संख्या सेकंड हो जाएगा। देखा जाए ये प्रश्न जो है अर्थशास्त्र का भली बाती अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि व्यक्ति की आवश्यकता अनंत होती है। भाई जाहिर सी बात है, सभी लोगों की आवश्यकताओं के बारे में अगर देखा जाए तो किसी की जो आवश्यकता होती है वो समाप्त नहीं होती है, जबकि इन आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन सीमित होते हैं। भाई जाहिर सी बात है कि आवश्यकताओं के साधन कम है लेकिन जो आवश्यकताएं हैं वो अनंत हैं। ठीक है, इस बात को स्पष्ट करते हुए प्रमुख अर्थशास्त्री जो थे जिनका नाम था प्रोफेसर रॉबिन्स ने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, प्रोफेसर रॉबिन्स साहब ने क्या था पुस्तक, एन एसे ऑन द नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस 1932 1932 में इनका एक बुक आया हुआ था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में लिखा है कि लक्ष्यों तथा उसके सीमित एवं वैकल्पिक उपयोगों वाले साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये सुनते ये प्रश्न आप लोगों का हो जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ प्रश्नों की सीरीज में हम लोग डिस्कशन। देखिए यहाँ पर उत्पादन कैसे किया जाए स्पष्ट कीजिए। देखिए डिस्कशन उत्पादन कैसे किया जाए इसके बारे में अगर सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोग करें तो इस समस्या का समाधान वस्तु उत्पादन के अनेक वैकल्पिक तरीकों पर निर्भर करता है। भाई बहुत से वैकल्पिक तरीके होते हैं, यानी उत्पादन विधि के लिए अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था को इन्हीं में से किसी एक तकनीक का चुनाव करना पड़ता है। विभिन्न उत्पादन तकनीकों में अगर देखा जाए तो उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का हम लोग प्रयोग क्या करते हैं, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए का प्रयोग कर लिया जाता है, का उपयोग विभिन्न अंशों में किया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो कोई उत्पादन जो होती है, तकनीक जो होती है डिस्टेंस, वो क्या होता है, श्रम प्रधान होती है। क्या होता है भाई, श्रम पर ही बेस पर तैयार किया जाता है तो अन्य में पूंजी की प्रधानता का अंश अधिक होता है। भाई कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं या कुछ ऐसे भी उत्पादन होते हैं जिसमें श्रम की आवश्यकता अधिक होती है, कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिसमें कि पूंजी की वो पूंजी प्रधान होता है, कुछ श्रम प्रधान होता है, कुछ पूंजी प्रधान होता है। तो इस तरीके से क्या होते हैं, उत्पादन भी बढ़ते हैं। तो साधनों का एक ऐसा संयोग अथवा उत्पादन की एक ऐसी तकनीक अर्थव्यवस्था के लिए आदर्श होगी जिसमें उत्पादन की मात्रा अधिकतम हो और उत्पादन लागत न्यूनतम हो। भाई जाहिर सी बात है कि जिसमें मात्रा अधिक पैमाने पर उत्पादन हो जबकि उत्पादन लागत जो हो बहुत ही कम हो, तो डिस्टेंस इसको ही हम लोग सही तरीके से दिखाया तो उत्पादन इसी परिप्रेक्ष्य में अगर किया जाएगा तो वो जो भी बिजनेस रहेगा, व्यापार रहेगा, तो वो सही तरीके से रहेगा या प्रॉफिटेबल रहेगा वो। ठीक है ना, उक्त उद्देश्य की पूर्ति की संभावना वक्र की सहायता से या वक्र बनाकर वक्र खींचकर वक्र की सहायता से भी बनाते हैं इसको। अवसर लागत की विशेषताएं बताइए। देखिए अवसर लागत क्या होता है, इसकी विशेषताएं बताइए। देखिए अवसर लागत की विशेषताएं निम्नलिखित होता है डिस्टेंस। पहला महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो औसत अवसर लागत में स्पष्ट एवं अस्पष्ट लागतें शामिल होती हैं, यानी उन लागतों को शामिल किया जाता है इसमें जो कि मुख्य रूप से स्पष्ट होती हैं और जो अस्पष्ट होती हैं, इन दोनों को इसमें शामिल करते हैं। अवसर लागत या आय मौद्रिक लागत में या आय के रूप में व्यक्त की जाती है। देखिए अवसर लागत जो होता है डिस्टेंस, इसको क्या करते हैं हम लोग, ये आय के रूप में भी इसे व्यक्त किया जाता है। अवसर लागत की परिभाषा बताने डिस्कशन। देखिए अवसर लागत क्या होता है, अवसर लागत किसे कहते हैं, ये डिफिनेशन है आप लोगों का प्रोफेसर वेनहम के अनुसार। अगर हम लोग समझने का प्रयास करें इसको अवसर लागत के बारे में, तो किसी वस्तु की अवसर लागत वह इसका सबसे अच्छा विकल्प है जिसका उन्हीं साधनों में या उनके समान उतनी ही मुद्रा लागत के साधनों के समूह से उनकी अपेक्षा उत्पादन किया जा सकता था। ठीक है डिस्कशन, तो इस तरीके से देखिए अवसर लागत का डिफिनेशन आप लोग याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए बढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में हम लोग आगे और देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को। इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में अब बढ़ते हैं डिस्कशन से। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है आप लोग का, मांग को परिभाषित कीजिए। प्रश्न क्या है, मांग को परिभाषित कीजिए। तो मांग की जो परिभाषा को हम लोग समझने जा रहे हैं डिस्कशन, वो समझने जा रहे हैं पेंशन के अनुसार देखा जाए तो मांग केवल एक समप्रभावी इच्छा है। क्या है, समप्रभावी इच्छा है, ये पेंशन जी का कथन है। ठीक है ना, अगर जे एस मिल के अनुसार अगर देखा जाए डिस्कशन, तो अगर मांग को समझने का प्रयास करें तो मांग शब्द से हमारा आशय मांगी गई मात्रा से होनी चाहिए। ये देखिए सीधा एकदम, और ध्यान रखना चाहिए कि यह कोई निश्चित मात्रा नहीं है
वरन समान तथा कीमत के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। भाई जाहिर सी बात रहता है कि वस्तुओं का उतार चढ़ाव जब देखने को मिलता है, ये मांग के नियम में बात किया भी गया था, देखिए इसी के नीचे मांग का नियम भी लगा हुआ है, तो वस्तु की निश्चित मात्रा जो होती है वह उसकी कीमत के अनुसार क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, ठीक है ना। तो एक संप्रभावी इच्छा भी है के तौर पर भी इसको देखते हैं हम लोग। मांग का नियम अगर देखा जाए डिस्टेंस, तो यदि हम मांग सारणी या मांग वक्र का अध्ययन करते हैं डिस्टेंस, तो उसके अनुसार अगर हम लोग बात करने का प्रयास करें तो मूल्य तथा वस्तु की मांगी गई मात्रा में एक संबंध दृष्टिगोचर होता है। वह इस प्रकार से होता है डिस्टेंस कि यदि मूल्य में परिवर्तन के साथ मांगी गई वस्तु की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है, भाई स्वाभाविक होता है कि वस्तु की मांग में अगर वस्तु के मूल्य में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसकी मांग में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो स्वाभाविक रूप से जब ये परिवर्तन देखने को मिलता है डिस्टेंस, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मांग का नियम। नहीं किसी वस्तु के मूल्य तथा उसकी मांगी गई मात्रा के संबंध में संबंध को बताने वाला है, या जब जो ग्राफ के माध्यम से हम लोग समझते हैं इसको, तो उसे ही हम लोग मांग का नियम कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे प्रश्नों को, हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। मांग के दो तत्व बताइए। देखिए मांग के तत्वों में अगर देखा जाए तो पहले तो महत्वपूर्ण चीज़ होगी आवश्यकता और एक निश्चित कीमत। मांग के देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, यानी किसी वस्तु की मांग के लिए पहली बात यह है कि उसके लिए आवश्यकता हो, यानी उस वस्तु की कितनी आवश्यकता है उसको, या प्रभावपूर्ण इच्छा को आवश्यकता कहते हैं, मतलब जितनी वो आवश्यक वस्तु है कि मतलब उसको लेना है, हम सामने वाले के लिए हम कंपलसरी है। एक निश्चित कीमत भी मांग का आशय सदैव क्या होता है, किसी कीमत पर मांग से होता है। जब तक मांग को किसी कीमत से समित न किया जाए तब तक मांग शब्द का कुछ भी अर्थ नहीं होता है। भाई जाहिर सी बात है उस वस्तु का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, कोई अर्थ ही नहीं रहेगा, वो अर्थहीन रहेगा वस्तु, यानी जब तक कि उसका वस्तु ना अगर जब तक उसका रेट डिसाइड न किया जाए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। मांग की लोच क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए लघु में अगर आपसे पूछता है मांग की लोच या मांग की मूल्य सापेक्षता का अर्थ क्या है, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में जो परिवर्तन होता है उसी को मांग की मूल्य की सापेक्षता या मांग की लोच कहते हैं। देखिए डिस्टेंस यानी कीमत में परिवर्तन के साथ साथ उसकी मांग में परिवर्तन देखने को मिलता है। वस्तु सस्ती होगी तो लोग बड़े पैमाने पर खरीदेंगे, वस्तु जब महंगी होगी तो उसको लोग कम खरीदेंगे। यानी क्या होता है डिस्टेंस, ये जो संबंध मिलता है इन दोनों के बीच वजह से, या ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम दिखाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं मांग का मूल्य लोच या मांग की लोच कहते हैं। देखिए मांग की लोच के प्रकार कितने होते हैं डिस्टेंस, तो मांग की लोच के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, तीन। पहला कौन सा है, मांग की कीमत लोच। क्या है पहला डिस्टेंस, मांग की कीमत लोच। दूसरा क्या है, मांग की आय लोच। तीसरा क्या है, मांग की तिरछी लोच, ठीक है डिस्टेंस। और मांग की लोच वाला मैंने पूरा बकायदा इसका उत्तरी में भी डिस्कशन कर रखा है डिस्टेंस, मांग की कीमत लोच, मांग की आय और मांग की तिरछी लोच। देखिए मांग की लोच की परिभाषा लिखना है डिस्टेंस, मांग के मूल्य लोच की परिभाषा। तो स्तंभ के शब्दों में देखिए उन्होंने क्या बताया हुआ था कि मूल्य परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में पड़ने वाले अंतर को ही मांग की लोच कहते हैं। ध्यान समझिएगा, मैंने पहले देखिए उसी बात को कहा जा रहा, लेकिन वो अलग अलग अर्थशास्त्री जो है अपने अपने विचारों में इसको बता रहे हैं। मूल्य परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में पड़ने वाले अंतर को मांग की लोच कहते हैं। सीधा सीधा प्रश्न है, मांग की मूल्य सापेक्षता के निर्धारित तत्व कौन से, देखिए वस्तुगत तत्व हो गए, व्यक्तिगत तत्व हो गए, सामाजिक तत्व हो गए, कीमत संबंधित तत्व हो गए। कौन कौन हो गए, वस्तुगत तत्व हो गए, व्यक्तिगत तत्व हो गए, सामाजिक तत्व हो गया और कीमत संबंधित तत्व हो गए, ठीक है डिस्टेंस। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का। पूर्णतया बेरोजगार मांग किसे कहते हैं, देखिए जब किसी वस्तु कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में बिल्कुल ही परिवर्तन हो, यानी वस्तु की मतलब उनकी वस्तु की आवश्यकता है व्यक्ति को, सामने वाले को जो है उस वस्तु की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है, तभी भाई उसको लेने के लिए लोग परेशान है, लोग नहीं हम इसको लेंगे ही लेंगे, हर हाल में लेंगे ना। तो डिस्टेंस उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको देखिए परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात प्रत्येक कीमत पर वस्तु की मांग समान रहती है। तो मांग वक्र सरल उधर रेखा होती है, इसे पूर्ण बेरोजगार मांग कहते हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोग का। उपयोगिता देखिए क्या होता है डिस्टेंस, उपयोगिता के बारे में बात करें तो अनुमानित संतुष्टि से है। उपयोगिता का जो अर्थ होता है डिस्टेंस, वो अनुमानित क्या होता है, संतुष्टि होता है, जबकि संतुष्टि का जो अभिप्राय होता है डिस्टेंस, वो वास्तविक रूप से अभी अनुभव की गई संतुष्टि से है। वास्तविक संतुष्टि जो होता है डिस्टेंस, वो अनुमानित संतुष्टि से कम अधिक या बराबर हो सकता है, ठीक है। तो उपयोगिता कहते हैं उसको डिस्टेंस, यानी उपयोगिता जो होता है उनका अर्थ जो होता है वो अनुमानित संतुष्टि से होता है, जबकि संतुष्टि का अभिप्राय जो होता है डिस्टेंस, वास्तविक रूप से अनुभव की गई संतुष्टि से है, ठीक है ना। उपयोगिता का जो संतुष्टि का जो अर्थ होता है वास्तविक रूप से अनुभव की गई संतुष्टि, जबकि उपयोगिता जो होता है वो अनुमानित संतुष्टि होता है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आप लोग का डिफिनेशन हो जाएगा। कुल उपयोगिता भी देख लीजिएगा, इसी के बेस पर है आप लोगों का, ठीक है ना। ये सभी के सभी जो प्रश्न डिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस। आज के महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मिलते हैं किसी वीडियो के सेम टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।